पवन सिंह जी के इतने बड़े गाने के साथ ये क्या हो गया? पवन सिंह जी का इतना बड़ा गाना, इतना अच्छे चैनल पे आने के बाद भी इस गाने के साथ ये क्या हो गया? सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज पवन सिंह जी का गाना आया, जिस गाने का नाम है तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं। ये गाना हिंदी वर्जन से पवन सिंह ने भोजपुरी मिक्स में गाया है, जो कि टिप्स भोजपुरी पे आया है। लेकिन गाने की व्यूज़ की बात करें तो अभी तक 37 के ही इस पे व्यूज़ गए हैं, और लाइक की बात करें तो 34 के व्यूज़ गया है। अगर लाइक के अनुमान से अगर हम व्यूज़ की चर्चा करें तो ये 3 लाख के करीब इस पे व्यूज़ चले गए हैं, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह जी के इतने बड़े कारण, इतने बड़े गाने में इतना कम व्यूज़ आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में चल रहे विवाद का कारण है। क्योंकि अभी अगर आप कहीं भी न्यूज़ चैनल या कुछ भी खोल रहे हैं तो आपको सबसे पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह को ही प्रमोट करते हुए लोग दिख रहे हैं। तो क्या ज्योति असली कारण बनी है पवन सिंह के इस गाने को फ्लॉप नहीं कह सकते हैं कम भी उसकी, क्योंकि इसका टीजर अगर ट्रेंडिंग में आ सकता है तो गाना भी तो ट्रेंडिंग में आएगा ही। पवन सिंह आकांक्षा पुरी की जोड़ी भी काफ़ी पसंद आ रही है, लोगों को भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी तक आपने गाना नहीं सुना है तो टिप्स भोजपुरी पर जाकर इस गाने को सुने और उसे ढेर सारा प्यार, और पवन सिंह जी को बहुत बहुत सारा प्यार दे। वीडियो कैसा लगा, गाना कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।